हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो अंशी के पापा जा रहे हैं ड्यूटी, सुबह 4 बज रहा है। सो आज सुबह का मौसम यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है और हल्की हल्की बारिश आ रही है। और मैं उठ गई हूँ सुबह 4 बजे, अंशी के पापा ड्यूटी गए थे और अभी वो बज गया है, 8 बज गया है। और सुबह का मौसम देखा तो, और ये देखिए अचानक से इतना बिल्कुल अंधेरा हो गया, काला, और काफ़ी सारी तेज़ आंधी वगैरह बारिश वगैरह आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो सुबह हो गई है, सुबह की बज गया है 9 और हम लोगों ने चाय वगैरह सब कुछ पी ली है। अंशी को मैंने नहला दिया है, अंशी नहा के अभी जस्ट अभी आई है और अंशी के पापा गए हुए हैं मार्केट कुछ लेने के लिए। ये जो पर्दे हैं ना, हाँ मामू क्या क्या पर्दों के लिए पाइप लेने गए हैं अंशी के पापा, और एक टेबल लेने गए हैं। हम लोगों को टेबल की ज़रूरत थी क्योंकि कभी कोई आ जाता है तो टेबल वगैरह नहीं थी, तो अंशी के पापा गए हुए हैं पाइप, पर्दों के लिए पाइप लेने और टेबल वगैरह लेने। सो आ रहे होंगे थोड़ी बहुत देर में, काफ़ी देर हो गई है उनको वैसे गए हुए। और बस आज देखते हैं क्या क्या होता है, आज पूरा दिन बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सो चलो कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस ब्लॉग को। और देवांश की मैंने मालिश वगैरह सब कुछ कर दी है, अभी वो लेटा हुआ है, खेल रहा है बस, और उसको अब नहलाऊंगी जाके, क्योंकि सुबह ही मालिश कर देती हूँ मैं। जब सुबह चाय पीती हूँ ना 7-7:30 बजे, तभी उसकी मालिश करके उसको डाल देती हूँ। फिर वो 2-3 घंटे खेलता है और बीच में सो भी जाता है, फिर उसके बाद जब एक दो घंटे के बाद उठता है उसके बाद मैं उसको नहला देती हूँ। सो अभी तो इतना सब कुछ हो गया है, अब झाड़ू पोछा भी हो गया है, पोछा नहीं हुआ, झाड़ू वगैरह लग गई है, अभी मैं पोछा लगाऊंगी देवांश को नहलाने के बाद। सो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को, बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे ब्लॉग का और आप मेरे ब्लॉग सबसे पहले देख पाओ। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थैंक यू। सो अंशी के पापा अभी ये टेबल लेके आए हैं मार्केट से। सो अभी शाम हो गई है और आज दिन है संडे, हाँ संडे है, आज दिन है संडे और कल है मंडे। कल है ना मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, ससुर जी सब लोग घर पे आ रहे हैं। मम्मी तो दिल्ली से आ रही हैं इधर, तो मम्मी बोला तुम्हारे यहाँ घूम के फिर जाऊँगी, बट मम्मी ना कुछ दिन रुकेंगी और सासू माँ ससुर जी का पता नहीं कि वो रुकेंगे या नहीं, बट एक रात तो शायद सब लोग ही रुकेंगे। और कल आई, आज कुछ पूरा दिन कुछ खास हुआ नहीं मैंने, तो फिर मेरे को व्लॉग करना भी, शूट भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने क्या सेम सा मैं अपना वही रूटीन दिखाऊं आप लोगों को। तो खाना वाना बन गया है, अभी शाम हो गई है, अंशी के पापा ने अभी कुछ दिन की छुट्टी ली हुई है तो वो घर पे ही हैं, अभी थोड़ा बाहर खाना वगैरह खा के वॉक करने गए हैं। और देवांश को ना मैंने इसका झूला ऊपर ही डाल लिया, बेड पर रख लिया है क्योंकि नीचे ना झुलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से। तो कल आएंगी मम्मी और ससुर जी, पापा भी आएंगे। सो जल्दी उठना है सुबह, काम वाम वैसे तो घर सारा सेट हो गया है, बट थोड़ा जल्दी उठ के खाना वाना सबके लिए बनाना पड़ेगा। और बहुत खुशी हो रही है, पहली बार मम्मी पापा, जैसे ससुर जी पहली बार हमारे क्वार्टर पे आएंगे। हमारी विश थी कि मम्मी ना वहाँ उस वाले क्वार्टर पर भी जाएँ, पर मेरी सासू माँ है ना वो बिल्कुल भी ट्रैवल करना पसंद नहीं करती, उनसे ट्रैवल होता ही नहीं है बिल्कुल भी मम्मी से ना, तो इस वजह से मम्मी यहाँ पर पास में है। तो पापा मम्मी दोनों बाइक से आएंगे कल, तो कल आप लोगों को मिलाती हूँ सबसे, मम्मी भी मेरी आएंगी, देखते हैं कौन जल्दी आता है कौन कब आता है, तो कल फिर मिलते हैं। अब ये आज का दिन में कुछ खास नहीं था, इस वजह से मैंने कोई छूट नहीं करा। तो फिर चलो सुबह मिलते हैं आप सबसे, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो, सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो सुबह हो गई है और मेरी मम्मी आने वाली हैं। कल मैंने शाम को आप लोगों को बताया था कि मेरे सास ससुर और जो मेरी सासू माँ है ना वो दोनों लोग भी आएंगे, बट मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मेरी मम्मी आ रही है। मम्मी पापा को कुछ काम पड़ गया था, उस वजह से मम्मी पापा बोल रहे थे कि बेटा अभी नहीं आ पाएंगे, फिर किसी दिन आएंगे। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आप फ्री
हो जाओ तब आ जाना, क्योंकि पापा की ड्यूटी वगैरह भी जाना रहता है, तो उस वजह से पापा थोड़ा बिजी भी रहते हैं। तो फिर अभी सिर्फ मेरी मम्मी आ रही है, मम्मी अभी 11 बजे है, मम्मी 1 या 2 बजे तक आ जाएंगी घर पे। और घर का सारा काम हो गया है मेरा, मैं नहा ली हूँ, बच्चे वगैरह सब कुछ सब नहा लिए हैं, अभी बस खाना बनाना है मम्मी के लिए, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह और ब्लॉग वगैरह शूट करने का मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही थी ना, तो अभी सब कुछ हो गया है, बस खाने के लिए किचन में जाके लगना है। और आज मैं इसलिए इतनी रेडी हुई हूँ क्योंकि ये जो शूट था ये कोलैबोरेशन के लिए आया था, मुझे मैंने सोचा कि रेडी हो जाऊँगी और खाना वाना बना के थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो इसकी 2-4 वीडियोज़ में निकाल दूँगी। सो बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे तो अच्छी लग रही हूँ। सोचती हूँ यार ऐसे रहना चाहिए थोड़ा बन ठन के, बट ना बच्चों में ना फिर गुस्सा आती है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो आज थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैं भी अच्छी लगती हूँ। सो चलो मम्मी आएंगे तो मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को मम्मी से, तब तक के लिए बाय बाय। आंटी चॉकलेट मांग रही है मम्मी से, चॉकलेट खाए चॉकलेट। ये वो लोग लेके आए थे क्या, ये वो लोग लेके आए थे क्या भी है क्या उनको? जी कौन है? जी आंटी की नानी आ गई। आंटी नानी आ गई, नानी कहाँ है? नानी आंटी पापा दिलाएंगे नानी को नया फोन टचवाला। आंटी अंशी की नानी आ गई। सो मम्मी आ गई है और देवांश देखो पोस्ट की ना, देवांश की नानी कैमरे में ही है अब तो, देवांश की नानी है ना अंशी? किसकी नानी है अंशी? बाबू की नानी है, बाबू की। हाय कर दो अंशी, हाय करो, हाय हाय करो। अरे नानी को प्यार कर दो, नानी को प्यार कर दो, नानी को तो प्यार। वाह देवो तुम भी कर दो, तुम भी कर दो, नानी को भी आए आज क्या। बस 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 अब मुझे कौन करेगा, ऐसे मुझे कौन करेगा? मम्मा कर ले मम्मा, थैंक यू। बस बस तो चलो मैं ना मम्मी को नाश्ता वगैरह करवा दूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय। आंटी अब बाय कर रही है। सो चलो मैं कोल्ड ड्रिंक रख लेती हूँ मम्मी को, क्योंकि इतनी गर्मी है, चाय तो पसंद नहीं करेंगी मम्मी, इस वजह से नमकीन वगैरह रख लेते हैं, थोड़ा मीठा रख लेते हैं। चलो ये वो फालतू का सामान था ना वो मैंने रख दिया, इसमें निकालना था, जगह ही नहीं अंदर कहीं रखने के। अरे नहीं मैं परेशान दिख नहीं कह रहा हूँ, अगर हमको लड़की वाला, अगर मैं लड़की नहीं माना नहीं आपको। ये बहुत मारती है, कभी बचा के रखना। Oh.
मम्मी आ गई है और मम्मी है ना आपको मैं देखा रहती थी मम्मी काफी देख मम्मी आ गई थी 4 बजे तक आ गई थी और मैंने ना खाना वरना नहीं बनाया था क्योंकि मम्मी ने फोन कर दिया था कि मैं लेट हो जाऊंगी तो खाना वगैरह नहीं बनाना सीधा शाम को ही बनाना तो अभी मम्मी ने पनीर की सब्जी बनाई है क्योंकि मैंने मम्मी से बोला मम्मी तुम बना तुम्हारे हाथ से अच्छी लगती है तो मम्मी ने सब्जी बनाई है मैं अभी रोटी बनाने जा रही हूँ चावल बनाए हैं रायता बनाया है बस खाने के बाद मम्मी थक गई हैं मम्मी आराम कर रही हैं अभी मैंने रात को बैठ जाके मैं रोटी वगैरह बना लूँगी मम्मी अपने बच्चों को खिला रही हैं और मम्मी मैं तक आटा लगा के रोटी बनाती हूँ और मेरी जो सासू माँ है ना वो शायद कल आएंगी तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा क्योंकि ये वाला ब्लॉग फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा फिर जाकर ज़्यादा लंबा ब्लॉग फिर आप लोग पसंद भी करते हो तो इसलिए वो वाला ब्लॉग ना मैं फिर अलग से लेकर आऊँगी जो मेरी सासू माँ वगैरह आएंगी ना तो उसको चलो जल्दी जल्दी मैं रोटी बना रही थी मम्मी भूखी भी हैं और मम्मी थक भी गई हैं तो मम्मी बोल रही थी कि मैं तो थक गई हूँ इस वजह से मम्मी आराम कर रही हैं अभी तो खाना हो गया है रेडी और अंशी के पापा अभी मम्मी के लिए खाना लेके जा रहे हैं उसके बाद फिर मैं फौजी साहब को खाना दूंगी सो मम्मी वगैरह सब ने खाना खा लिया था उसके बाद मैं खाना वाना बना के आई थी तो मम्मी मेरे लिए भी लेके आ गई थी सच में माँ के होने से ना एक अलग सा ही सुकून मिलता है पहचान कर रहे अभी देवांश देवांश मम्मा का मम्मा मम्मा का हम सब ने खाना खा लिया है और बस अभी लेटे हुए हैं अंशी सो गई है मम्मी लेटी हुई है देवांश को है ना अभी बातें करने का वो चढ़ा हुआ है उसको बातें करनी है बस मम्मी को नींद आ रही है क्योंकि मम्मी ना थक गए मम्मी तो सो गए जग रही है क्या हुआ क्या हुआ देखो क्या हुआ मम्मा अच्छी लग रही है दे अच्छा बाय कर दो बाय कल मिलते हैं बाय बाय बोलो कल मिलेंगे क्यों ऐसे मैं डाल दी मेरा क्या लला नंगा था उसने वो डिलीट पूरी वीडियो डिलीट कर दी देखो अच्छा बोलो तो इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं फिर मिलते हैं नई वीडियो नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय स्टे कंटिन्यू जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में मम्मी बाय करो बाय बाय देवू ने भी बोल दिया हाँ बाय देवू बाय करो गुड नाइट अच्छा गुड नाइट बोलते हैं ना गुड नाइट बाय बाय